हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सूर्या आपको केमिस्ट्री का कुछ पोर्शंस पढ़ाऊंगा। तो हमें जो देखिए पढ़ाना आपको पीरियोडिक टेबल्स पढ़ाना है, तो उससे पहले हमें कुछ पार्ट उसी के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 11th के सेकेंड चैप्टर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में मिलेंगे। जैसे आप देख लो कि आप 10th में एजिट पढ़ के आए होगे सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो जब हम पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे तो वहां हमें इसका रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए थोड़ा सा हम बैक में जा करके और चैप्टर अगर देखा जाए स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम का, वो छोटा सा पार्ट जो सेल वाला टॉपिक है उसमें से सेल वाला या सिंपल में अगर कहा जाए तो क्वांटम नंबर वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा, उससे आपको एक थोड़ा सा आपके ब्रेन में जो डायग्राम बन जाएगा उसका फिजिकल व्यू सोचने में आसानी भी होगा आपको, ठीक है। तो हम आपको 11th का भाई देखो कुछ ही पोर्शंस पढ़ाएंगे जिसमें से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगा चैप्टर्स में कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, अगर वो किसी और चैप्टर्स में होगा तो हम उसे पहले आपको समझा देंगे फिर उस टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। तो हमें जो जो आपको रिक्वायरमेंट है इन ऑर्गेनिक में वो पहले आपको पढ़ा देते हैं कि आप जान जाओ भाई कि एटम क्या है और जो भी बायो डाटा, तो फिर थोड़ा सा हेडिंग लिख लोगे आप लोग। देखो हमें पढ़ना क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से, कि जो या ऐसे आप समझो कि एक एटम से बात स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं एटम से। तो देखो जैसे मान लो कि अगर कोई भी एटम है भाई, कोई भी एटम, हाँ ये आप लोग लिख लेना क्लास 11th, डेट आप चाहो तो भी लिख लेना 40/06/2020, ठीक है। तो हमें जो देखना थोड़ा सा एटम से रिलेटेड कुछ जानना है कि एटम में अगर आप देखो तो एटम आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एटम आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला जो आपका पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर पार्ट, चमकेगा नहीं भाई ध्यान से सुनते जाओ, पहला पार्ट आपका न्यूक्लियर पार्ट है। सेकेंड जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट मीन्स दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एटम्स को यदि आप देखोगे जब भी आपको, तो दो ही आपको पार्ट मिलेंगे एटम्स में, एक आपका जो पार्ट है भैया वो न्यूक्लियस का पार्ट हो, और न्यूक्लियस को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ये पार्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमको यहां से जानना है कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम्स में दो पार्ट आपको मिलेंगे, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन्स। और जो न्यूक्लियस है इसमें आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलेगा, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप इसे कॉपी मत लिखिएगा, इसे बस आप जानते जाओ, ठीक है, कि एटम के पास दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो हमें यहां फिलहाल यही पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल में है, या फिर इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, या फिर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं, इसको लिखना नहीं था आपको, बस ऐसे नॉलेज के लिए जानते रहो, ठीक है। आप लोग भी पहली बार अभी पढ़ रहे होंगे तो कंफ्यूज मत होगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखो आप ऑर्बिटल, या ऐसे हेडिंग लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो हम सब पढ़ते हुए चलेंगे सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स, ठीक है, और थ्री डायमेंशन स्पेस।
तो आपको हम सब बताएंगे कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सब सेल, व्हाट इज ऑर्बिटल्स, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सब सेल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब सेल एंड ऑर्बिटल्स। तो एक एक करके हम आपको सब बताते जाएंगे, थोड़ा सा बस शांति से बस रहोगे, जहां भी आपको डाउट नहीं आएगा देखो आप क्लियर समझ लेना, अगर आएगा भी तो आप पूछ लीजिएगा। तो हम लोग देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, हेडिंग लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, यानी ये सेंस ये हो कि ऑर्बिटल क्या है या ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस, न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस वो थ्री डायमेंशन स्पेस, वो थ्री डी स्पेस जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जो आपने लिखा था एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं कि थ्री डायमेंशन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो हम चाहते हैं कि आप लिख लो कॉपी में, मैं सुन लो फिर से एक बार कि न्यूक्लियस के बाहर का वो थ्री डायमेंशन स्पेस, वो थ्री डी स्पेस जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। लिख लो भाई, ये चमक रहा होगा, चलो लिखो थ्री डायमेंशन स्पेस, थ्री डायमेंशन, थ्री डी आप कैसे लिख लेना, थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ, देख लो भाई फिर से, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से देखो, अ थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच, थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। फिर से लिख लो भाई, अ थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अ थ्री डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। नोट करो भाई साहब, नोट कर लो, अब लिखिएगा थोड़ा सा स्टार बना करके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो जितना भी आप इंपॉर्टेंट्स बना सकते हो बना लीजिएगा। देखो ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम
मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन फिर से देख लो भाई, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पीड। यदि किसी भी ऑर्बिटल्स में आप जो इलेक्ट्रॉन रखोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो रखोगे वो अपोजिट स्पिन होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है। और आगे चल के पढ़ोगे यदि क्लॉकवाइज है तो s का वैल्यू +1/2, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो s का वैल्यू -1/2। और इसी को हम दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखेंगे, या इसको ये भी लिख सकते हो s2, क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल जो होता है वो s में होता है, बट उससे अच्छा रहेगा भी s मत लिखो, अब भी इतना लिख लो। अभी हमने सिर्फ दो ही पॉइंट आपको बताया, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाने का, अभी क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग कि भाई अ 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इच ऑर्बिटल कॉन्टेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो हम मान के चलते हैं कि आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है भाई। और यहां देखिए नौ, तो आप फिर से इसका लिख लीजिएगा कि ये देखो ये 3D स्पेस है, ऐसे लिख लीजिएगा ये 3D स्पेस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन अरेंज होकर के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा ऑर्बिटल का, और ये फिर ऑर्बिटल कंबाइन करके सब सेल का फॉर्मेशन होगा, और सब सेल कंबाइन करके आपका सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल और ऑर्बिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यही हमें बार बार पढ़ना है कि जो 3D स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स का, वो 3D स्पेस इकट्ठा होकर के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, ऑर्बिटल्स कंबाइन करके सबसेल का फॉर्मेशन होगा, सबसेल कंबाइन करके सेल और ऑर्बिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है भैया, सेल या फिर ऑर्बिट का फॉर्मेशन होगा। नोट कर लीजिए, हम ये मिटा देना, हम बोलो भाई रफ कर दिया जाए या फिर इतने ही करने दिया जाए, आप लोग जैसा बोलो, क्योंकि नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल के बाद सब सेल, और यहीं से देख लो कि जो सब सेल होगा वो कंबाइन किससे होगा ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल किससे कंबाइन होगा 3D स्पेस से, कि जो इलेक्ट्रॉन 3D में 3 डायमेंशन से मिल रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अभी इतना ही लेक्चर में रखते थे फर्स्ट लेक्चर्स में, सेकंड लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी को, नोट कर लो भाई आप लोग अच्छे से पहले तो।